उर्फी ने गार्बेज बैग से बनाया कॉस्ट्यूम, नेहा भसीन को किया लिप किस। बिग बॉस ओटीटी में नॉमिनेटेड सदस्यों को नॉमिनेशन से बचने का मौका मिला है। एंटरटेनमेंट लाइव टास्क में उर्फी परफॉर्म कर रही हैं और उर्फी ने गजब का एंटरटेनमेंट दिखाया है। दरअसल उर्फी मॉडल बनी हुई हैं और उन्होंने गार्बेज बैग से अपना कॉस्ट्यूम बनाया है और उस कॉस्ट्यूम के साथ वो रैंप पर अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही उर्फी का एंटरटेनमेंट यही नहीं रुका है, उर्फी ने नेहा भसीन को लिप किस भी किया है और वो किसी भी तरह से एंटरटेन करने का मौका चूकना नहीं चाह रही हैं। उर्फी का परफॉर्मेंस देखकर ये कहा जा सकता है कि उर्फी का परफॉर्मेंस ओवर द टॉप रहा। उर्फी ने जिस तरह से गार्बेज बैग से कॉस्ट्यूम बनाया है, घर के सभी सदस्य उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उर्फी हमेशा ही इसी तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए पहचानी जाती हैं। बिग बॉस के घर के बाहर भी वो इसी तरह के वीडियो अपलोड किया करती थी। वहीं उर्फी दूसरी तरफ अपने जोक्स भी सुना रही हैं, जिसे सुनना घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि घर वालों का मानना है कि उनके जोक बेहद बोरिंग होते हैं। इसके अलावा उर्फी को बिग बॉस के साथ फ्लर्ट करने की भी सलाह दी जा रही है। कंटेस्टेंट्स के सामने उर्फी कई बार बिग बॉस के साथ फ्लर्ट कर चुकी है। बातों ही बातों में उर्फी ने बिग बॉस के औरत होने की बात कही और ये कहा कि परफॉर्मेंस वो दिखा रही हैं, लेकिन बिग बॉस कैमरा लड़कों की तरफ घुमा रहे हैं। वहीं कैमरा ऑपरेटर को भी उर्फी कई बार भला बुरा कह चुकी हैं कि परफॉर्मेंस मैं कर रही हूं और कोई भी मेरे आसपास आता है तो आप कैमरा उस तरफ घुमा देते हो, ये कौन सी बदतमीजी है भाई। उर्फी लगातार अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। आपको बता दें कि घर में मौजूद 5 नॉमिनेटेड सदस्यों को नॉमिनेशन से बचने का मौका मिला है। उर्फी को पूरे 45 मिनट मिले हैं, जबकि उर्फी के अलावा 2 जोड़ियां और भी नॉमिनेटेड हैं। उन जोड़ियों को 45-45 मिनट का वक्त मिला था और वो जोड़ियां अपना परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं। इस परफॉर्मेंस का नतीजा क्या आने वाला है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन 5 सदस्यों में से परफॉर्मेंस के बल पर कौन सुरक्षित होता है और कौन नॉमिनेट रहता है। और जनता की वोटिंग के आधार पर संडे के वार के दिन घर से नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बेघर किया जाएगा। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।